विद्रोही घराने के सरदार सुरेंद्र जी रहुआ। क्या बात है, हमरी विद्रोही घराना के कलाकारन पर परशुराम जी के कई रोज से चर्चा चलत बा। यहाँ कई बतौली कि अपनी फौज के सिपाहीन के खियाव पियाव मजबूती आवे, स्टैंड होके लोग आवे, खरास बा, हथियार में दम नहीं बा। एगो चीज आप लोगन के बता दें, सभे जानत हो बनारस के रहल एगो नसुड़ी गवैया, कबो उनकर गला ठीक ना रहल, लेकिन जब खड़ा हो जाए तो हमेशा उनका रम्मा लाल रहे। तो हमारी फौज के जब जवान चलल तो रम्मा लाल रहला। बहुत बढ़िया गुलाब चंद जी के बिरहा लागल। आ जब आपके फौज के नीतू चंचल जब चलली है परिचय खातिर के, वो समय के सीन हमके बड़ा निक लागल है। जैसे बुझाता कि शादी ब्याह के चित्रण उतरी आइल बा जब परिचय लगली है। तब ऐसे कि शादी ब्याह में यही पे वो हमके बात याद आ गई विजय जी, इरशाद हो। एगो गांव में ब्याह होत रहल, बर पक्ष के पंडित जी रहला, कन्या पक्ष के पंडित जी। ब्याह लोग करावत रहला, बर पक्ष के पंडित जी धोती कुर्ता पहिरले रहला, कन्या पक्ष वाला पंडित जी पैंट शर्ट पहिरले रहला। फराटा पंखा चलत रहल, दुल्हावा तनी छोट रहल, दुल्हनिया तनी बड़ी रहल। वही समय पंखा के हवा चलल, बर पक्ष वाला पंडित जी धोती जरूर पहिरले रहला, वही दिन अंडर बियर ना पहिरले रहला। हवा के झोंका चलल, आगे से उनकर तनिकी सा धोती हट गई, उनकर जवन गुप्त अंग रहल उ लौकत रहल। वही समय डल पुजैया के गीत गावत रहल, मेहरारू माइक में कुल अपन डल पुजैया के गीत गावत रहली सब। के टीका वाले अइला भसुर डिबिया में मुनि के, खोली के देखाव ना तो गारी दे बचुनी के। वही समय कोनो लड़की के नजर पड़ गई लो पंडित जी के छिनी हथौरी पर, तो वही में वो अलगे गावे लगल, वो अलगे गावे लगल कि पोथी बाँचत पंडित गईला भूलाई हो, आ भीतर के सामान कैसे बाहर गईल आई हो। अब पंडित जी के ख्याल पड़ल अपना ऊपर, कहला ओ हो ये तो लड़की चलाक है। तब तक एक जवाब देवे के परी, तब पंडित जी फिर जवाब दिलन कि धनी बाड़ू बाछिल हलु इज्जत बाचाई हो, आ जहा जैबू मुहाए से लमहर भेटाई हो। भाई कोई कमान गलत ना करे, वो दुल्हा छोट रहल तो दुल्हा के ऊपर इशारा कही ना पंडित जी। दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अजय सर, अजय सर, ये पूरा कट जाएगा सर, काटिए। कोई बात नहीं, चलिए आगे आगे करते हैं, बस खाली आशीर्वाद तक रखिए।